क्राउडस्ट्राइक प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर अपडेट के दौरान आई ग्लिच के चलते दुनिया भर के ढेर सारे लैपटॉप और पर्सनल कंप्यूटर 19 जुलाई सुबह अचानक ठप पड़ गए और बार बार रीस्टार्ट होने लगे। इसके अलावा कुछ डिवाइसेस में ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ दिखने लगी। इसका असर दुनिया भर के कई बिजनेसेस पर पड़ा और बैंकिंग से लेकर एयरलाइन, स्टॉक मार्केट, सुपर मार्केट, मीडिया, ब्रॉडकास्टिंग, रेलवे जैसी कई सेवाएं बंद पड़ गई। इसके बाद आम लोग सोचने लगे कि क्राउडस्ट्राइक सॉफ्टवेयर क्या है, क्या ये कोई साइबर क्राइम था, ये ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ क्या है, इसे कैसे ठीक करें। ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ एक एरर मैसेज है जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी बड़ी दिक्कत का संकेत देता है। ये एरर तब आती है जब विंडोज ओएस किसी ऐसी सिचुएशन को फेस करता है जिसे नहीं संभाल पाता और सिस्टम क्रैश हो जाता है। ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ की स्थिति में होता क्या है? कंप्यूटर अचानक बंद हो जाता है या फिर रीस्टार्ट हो जाता है, जिसके बाद स्क्रीन नीली हो जाती है और एरर मैसेज दिखाई देता है। इसके अलावा एरर मैसेज में तकनीकी जानकारी होती है और एरर का नाम और कोड बताया जाता है। इसके अलावा कंप्यूटर क्रैश हो जाता है और कुछ काम भी नहीं करता, यानी कि आप अपना कोई काम नहीं कर पाते। अब अगर पूछे कि आखिरकार ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ की दिक्कत होती क्यों है, तो इसकी कई सारी वजह हो सकती है। हार्डवेयर प्रॉब्लम हो सकती है, हार्डवेयर में खराबी आने, मेमोरी की दिक्कत या ड्राइवर से जुड़ी प्रॉब्लम्स ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ की वजह बन सकती है। वही सॉफ्टवेयर एरर जैसी कि करप्ट सॉफ्टवेयर या फिर वायरस या मैलवेयर भी इसकी वजह बन सकता है। सिस्टम में खराबी जैसे रजिस्ट्री एरर्स, सिस्टम फाइल्स का करप्ट होना या अधूरे अपडेट के चलते भी ब्लू स्क्रीन जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। इस सिचुएशन से बचने के लिए क्या कर सकते हैं? अपने कंप्यूटर को अपडेटेड रखें, लेटेस्ट विंडोज अपडेट, ड्राइवर और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल रहे, एंटीवायरस और एंटी मैलवेयर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करें, समय समय पर बैकअप लेते रहें ताकि ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ के कारण डेटा लॉस से बचा जा सके। ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ की दिक्कत आने पर करें क्या? कंप्यूटर को रीस्टार्ट करके कोशिश कर सकते हैं। अगर कंप्यूटर नॉर्मल तरीके से बूट नहीं होती तो उसे सेफ मोड में बूट करने का ट्राई करें। हालांकि सेफ मोड में केवल जरूरी ड्राइवर्स और सर्विसेज लोड होती है, जिससे एरर को फिक्स करना आसान हो जाता है। एरर मैसेज में दी गई जानकारी की मदद लें। अगर दिक्कत किसी हार्डवेयर से जुड़ी है तो आप ड्राइवर्स अपडेट करके देख सकते हैं, करप्ट सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल करें। अगर आपने हाल ही में कोई सिस्टम अपडेट या चेंज किया है तो सिस्टम रिस्टोर करके अपने कंप्यूटर को पहले की कंडीशन में लेकर आए और दिक्कत ठीक हो सकती है। सिस्टम फाइलों की जांच करने के लिए SFC स्कैन नाउ कमांड का उपयोग करें। ये कमांड करप्ट सिस्टम फाइल्स को स्कैन और रिपेयर कर सकता है। अगर आपने पिछली सभी कोशिशें की और फिर भी दिक्कत बनी हुई है तो हार्डवेयर की जांच करवा सकते हैं या फिर किसी एक्सपर्ट को बुलाकर इसे रिपेयर करवाना बेहतर होगा। खैर, दुनिया भर में जब माइक्रोसॉफ्ट के इस टेक्निकल ग्लिच के चलते अफरा तफरी मची थी, तब पता चला दिक्कतें क्राउडस्ट्राइक के एक अपडेट के बाद शुरू हुई। साइबर सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर फर्म क्राउडस्ट्राइक ने गलती मानी और कहा हमारे इंजीनियर इस समस्या को ठीक करने के लिए एक्टिव तरीके से काम कर रहे हैं। अब ये क्राउडस्ट्राइक क्या है? अमेरिका के ऑस्टिन टेक्सास में 2011 में बनी क्राउडस्ट्राइक एक क्लाउड बेस्ड साइबर सिक्योरिटी फर्म है जो दुनिया भर में कंपनियों को साइबर सुरक्षा सेवाएं देती है। इसके सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल दुनिया भर के कई इंडस्ट्री हैकर्स और बाहरी उल्लंघनों से सुरक्षा के लिए करते हैं। क्राउडस्ट्राइक अपने सुरक्षा सॉफ्टवेयर को स्वचालित रूप से चुपचाप अपडेट करता है, लेकिन 19 जुलाई सुबह इसके फाल्कन सेंसर सॉफ्टवेयर के गलत अपडेट के कारण माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने वाली मशीनें क्रैश हो गई। इनका मेन प्रोडक्ट फाल्कन है जो नेटवर्क और एंड पॉइंट पर मैलिशियस फाइल्स और बिहेवियर का पता लगाने और उन्हें रोकने के लिए AI टेक्निक का इस्तेमाल करता है। फाल्कन एंड पॉइंट सिक्योरिटी कर सकता है, चाहे वो ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन। क्राउडस्ट्राइक का दावा है कि कंपनी की ये तकनीक आपके ऑर्गेनाइजेशन या पर्सनल डिवाइस को प्रभावित करने से पहले 99% मालवेयर थ्रेट्स का पता लगा सकती है। खैर, फर्म ने सॉफ्टवेयर का अपडेट समाधान कंप्यूटर को भेज दिया है, लेकिन अमेरिकी साइबर सुरक्षा एक्सपर्ट लुकास ओलेनिक ने यह भी कहा है कि दिक्कत जारी रह सकती है क्योंकि ये साफ नहीं है कि पहले से प्रभावित कंप्यूटरों को कैसे ठीक किया जाए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।